रहने वाले मजदूर हो, गरीब हो, ऐसे लोग जिनको आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनकी सरकार गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए है, और आज के समय जब ये संकट की घड़ी में एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर गरीब वर्ग पर देखने के लिए मिलता है तो उसको राहत कैसे मिल पाए, चाहे वो अन्न की राहत हो या धन की राहत हो। और अन्न और धन, इन दोनों को ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक रूप बनाकर आप सबके सामने आज पेश करने आए हैं। पहले तो है कि इस जंग को लड़ने के लिए जो हमारे योद्धा हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के, वो अपनी जान पर खेलकर भी देश के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ऐसे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, यहां तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर बाकी सब, इन सब के लिए आशा वर्कर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, डॉक्टर्स हो, फ्रंटलाइन हमारे जो ये योद्धा हैं, इनके लिए सरकार ने तय किया है कि ये जो अपने समर्पित भाव से और स्वार्थ रहित रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, इनके लिए इनके साथ कोई दुर्घटना ना घटे, और ऐसी परिस्थिति में इनके लिए 50 लाख रुपए की एक अमाउंट जो है उस स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति उसके लिए की है, और इससे लगभग 20 लाख ऐसे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और हमारा मानना है कि देश भर के ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, जहां पूरे देश ने कुछ दिन पहले शाम को उनका आभार प्रकट किया था, आज सरकार ने अपनी ओर से कदम दूसरा रखा है ताकि उनके बारे में भी विचार किया जा सके। आई नाउ गो टू स्पीकिंग अबाउट द टू डिफरेंट साइलोज इन विच आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वन इज ऑन द फूड रिलेटेड एंड द अदर, एज आई सेड, इज ऑन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द फर्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इन विच 80 करोड़ पुअर पीपल, विच इज 2/3 ऑफ आर पॉपुलेशन, एंड देयर मेकिंग श्योर दैट नॉट वन गरीब रिमेन्स विदाउट फूड। वी हैव नाउ कम टू से दैट एवरीवन, ईच वन विल गेट एज पर द एग्जिस्टिंग थिंग 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. We are saying over and above that, 5 kgs each month for the next 3 months, whichever they take, of wheat or rice, in addition to the 5 kgs they already get, will be given for free. So per person 5 kg rice, or per person 5 kg wheat, where they get already, we shall give another 5 kg for free, and that we shall give for the next 3 months. Besides, we also shall give 1 kg of pulse, whichever pulse is regionally, you know, as it is, people prefer some pulse in some region according to regional preferences. Some areas prefer tuwar, some other prefer urad, some other prefer moong. For each one household, 1 kg of the preferred pulse will also be given, dal will also be given. So 5 kg per person for the next 3 months additional free over and above what they get already, and for every household 1 kg of the choice of pulse in that, usually given in that area, will be given, so that no garib remains without food in his hand. And this is very clearly
for the next 3 months. It can be taken as in 2 installments. They can come and take it in 1 installment first, and then they can take the next whenever next time they want it. But over and above what they get, we now give 5 kg in addition to what they get of the cereal, and 1 kg per household, the pulses per household of the region-specific choice of dal. That will be given for the next 3 months. जैसा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात कही गई, ये लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा, और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा, और इसमें इनको 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा, और ये जो पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से मिलता है उसके अलग से ये देने हैं, और इसके अलावा जो दाल इनको मिले तो 1 किलो दाल का प्रावधान भी परिवार के लिए किया गया है, और ये भी अगले 3 महीनों तक लगातार मिलती रहेगी। ये भी अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह की दाल वो चाहते हैं वो उपलब्ध करवाने का सरकार का प्रयास रहेगा, ताकि उनकी मांग के अनुसार ही वो उनको मिल सके। तो गेहूं चावल के साथ साथ दाल भी मिलेगी, और ये 1,70,000 करोड़ के जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज है उसका हिस्से का एक पार्ट ये भी है। Now I move over to the cash transfers. Just for your convenience, under the cash transfer, which is largely based on DBT, there are 8 specific announcements being made. And for your benefit, in the sense so that it is easy for you to notice, which are the sections we are touching? We are touching the farmer. One, I'll tell you the details. We are touching the MNREGA, which is the second. Third will be widows, poor widows, poor pensioners, and poor Divyang. That will be my third. Then we will be talking about the Jan Dhan Yojana related women who have Jan Dhan Yojana accounts. Then we are talking of, together with that, I'd like to also talk about women and householders who receive benefits under the Ujjwala scheme. So that will be getting covered. You're also going to be having something said for the self-help group women who particularly are dealing with national rural livelihood missions, Deen Dayal Upadhyaya livelihood mission. So women in the SHG groups. Then you're talking about organized sector workers who are essentially through the EPFO. So I'll be telling something for them. Then we'll also be talking about construction workers. And lastly, we will be talking something about the district mineral fund also. So I go to the first one, farmers. Farmers, you know, they receive 6,000 rupees annually from the PM Kisan Yojana, Kisan Samman Nidhi, through which they get their annual 6,000 rupees. We will now be giving the first installment of that as a front-loaded matter, so that even at the beginning of the year, they will get 2,000 rupees. This will benefit immediately 8.69 crore farmers, 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this.
जहां मैंने पहले प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात कही, अब मैं अन्नदाता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए अन्नदाता दिन रात पसीना बहाते हैं और उनको इस कठिन समय में परेशानी ना हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अप्रैल में पहले ही हफ्ते में, यानी कि आज से कुछ दिनों में, उनके खाते में 2000 रुपये की किश्त डाल दी जाएगी और ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2000 रुपये की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में उनके खाते में डाल दी जाएगी, ताकि अन्नदाता को सम्मान मिल सके और ये पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज अबाउट मनरेगा। वी अनाउंस अ वेज इंक्रीज इन मनरेगा। दिस विल बेनिफिट 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5 crore families. Of course, in this lockdown period and post that, even for field activities, the local district commissioners are empowered to exempt for agricultural work or something, depending on how they play it, with social distancing norms being respected. Where there is work, they can always do it. But matter of fact, this increase is now being given, and this shall continue. अन्नदाता के बाद मजदूरी पर आना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको लाभ कैसे मिले? इनके लिए दिहाड़ी भी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है, और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे जो अपने परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों के लिए वो मजदूरी करके कुछ ना कुछ करते हैं, उन 5 करोड़ लोगों के लिए जब यह दिहाड़ी बढ़ेगी तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा और लगभग 2000 रुपए का उनकी आय में वृद्धि होगी। द नेक्स्ट कैटेगरी इज ओल्ड एज्ड पीपल हु आर ओवर 60 इयर्स ऑफ एज, विडोज एंड ऑल्सो द डिसेबल, दैट इज दिव्यांग। वी आर गिविंग देम एन एक्स ग्रेशिया अमाउंट, विच इज अ वन टाइम अमाउंट of 1000 rupees, and this shall be given in 2 installments over the next 3 months, and this is an ex gratia one time, and this is expected to benefit 3 crore senior citizens, poor senior citizens, 3 crores in total, poor senior citizens, poor widows, and poor among the divyang and disabled. जिस तरह से मैंने मनरेगा के बारे में अभी आपसे कहा, अब एक और गरीब श्रेणी में वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में, 2 किश्तों में उपलब्ध होगा, और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा, और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाएगा, ताकि बीच में से कोई भी इन वृद्ध, विधवा, दिव्यांग इनके हक को ना मार सके। और पहले की भी जो कहा गया मनरेगा की बात हो या पीएम किसान की बात हो या वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की बात हो, ये सारा का सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जाएगा, ताकि सीधा उनको लाभ मिल सके। वी नाउ टॉक अबाउट द 20 करोड़
women Jandan account holders. Women Jandan account holders will be getting an ex gratia amount, of 500 rupees per month for the next 3 months, so that they will be able to run the affairs of their household during this period of disruption. So this would benefit 20 crore women who are Jandan account holders. They will get a 500 rupee per month for the next 3 months. Matrishakti ke liye, देश की हमारी महिलाओं और बहनों के लिए, जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है, ऐसे लगभग 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500-500 रुपया प्रतिमाह उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि इस कठिन समय में, कोरोना वायरस से लड़ने वाली जंग के समय में, देश की माताओं और बहनों के साथ हम लोग खड़े हों और उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, लगभग 500 रुपया प्रतिमाह अगले 3 महीने तक उनके खातों में डाला जाएगा. आई लाइक टू रिमाइंड, द नेक्स्ट आइटम इज रिलेटेड टू उज्ज्वला, द स्कीम थ्रू विच वी गेव अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप gas cylinders to poorest of the poor who couldn't even have the right to have clean cooking medium. So for them, nearly 8 crore of BPL families who were having kitchens full of smoke, Ujjwala scheme benefited them by getting gas cylinders to their houses. Now for those Ujjwala scheme women, so that they don't run short of cooking medium during this period where there is disruption, for the 3 months they will be given free cylinders. For the 3 months where we think because of the disruption there would be problem, they will be provided free cylinders, and this is expected to benefit 8.3 crore BPL families. जहां देश में गरीब परिवार की महिला कभी सपना भी नहीं लेती थी कि उसके पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, धुएं से उसको परेशान होना पड़ता था, लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी, पहले 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध आदरणीय मोदी जी ने करवाया, और जब ये हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, तो उनको चिंता मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता बन जाती है. एक और उनके खाते में 3 महीनों तक लगातार 500-500 रुपए हम डालेंगे, मनरेगा में उनको लाभ मिलेगा, दिहाड़ी बढ़ा दी है. अब रसोई गैस का सिलेंडर के लिए उनको दिक्कत ना हो, तो अगले 3 महीने तक ऐसी 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, जिनको उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला था, उनको मुफ्त में अगले 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर मिलते रहेंगे. ना उनको अन्न की चिंता होगी, ना गैस की चिंता होगी, और ना ही खाते में पैसा खत्म हो जाए इसकी चिंता होगी, क्योंकि उसमें भी पैसा डालने का काम मोदी सरकार ने किया है. तो अन्न, धन और गैस, यहां तक की चिंता सारी की सारी मोदी जी ने देखी है, और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने पिछले कल ही घोषणा की है. द नेक्स्ट इन द पीएम Garib Kalyan Yojana, with which we are coming with these announcements, is the women SHG groups, the self-help groups. This shall have an impact on 7 crore households through 63 lakh SHGs which are there in this country. There are 63 lakh SHGs which benefit 7 crore households. My next announcement is for them. And what exists now is that under the Deen Dayal Yojana National Rural Livelihood Mission, they get
up to 10 lakhs collateral free loans. We now want to double that to 20 lakhs. So collateral free loan now will be given to them up to 20 lakhs and not 10 lakhs. It's now doubled. This shall immediately benefit all these SHG women and therefore have an impact on the 7 crore households. So money in hand without worries about collateral. अब मैं स्वयं सहायता समूह जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, ऐसे 63 स्वयं सहायता समूह जो इस देश में काम कर रहे हैं और लगभग देश के 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, इन परिवारों के लिए या मैं कहूं इस 63 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए जो एनआरएलएम के माध्यम से 10 लाख रुपया मिलता था कि आपको कलेक्ट्रल नहीं देनी पड़ती, यानी कि अपनी कोई संपत्ति नहीं देनी पड़ती थी, गारंटी नहीं देनी पड़ती थी, कोई कीमती चीज बैंक को नहीं देनी पड़ती थी, वो जो 10 लाख आपको मिलता था उसकी बजाय 20 लाख मिलेगा ताकि इस कठिन समय में भी आप और काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे अवसर नीचे जब पैदा होंगे तो उसके लिए धन का अभाव ना हो, तो ये भी आपके लिए यहां पर प्रावधान किया गया है। और जब हम ये कहते हैं कि 7 करोड़ लोग या 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उन 7 करोड़ परिवारों के 35 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। अगर 20 करोड़ बैंक खातों में पैसा डाला जाता है तो 100 करोड़ लोगों तक उसका लाभ मिलता है। अगर 8 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाता है तो 35 से 40 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये बहनों तक इसका लाभ मिले और इसको और फल मिले, इसका प्रावधान किया गया है। द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट अटेंडिंग टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर under the PM Garib Kalyan Yojana with which we are coming, and under the organized sector I am announcing two different things. One is about their provident fund and the other is some money in their hand, their own money, but their some withdrawal related remits. So the first announcement for the organized sector under the PM Garib Kalyan Yojana is that Government of India will pay the EPF contribution, both of the employer and employee, which is 12% each, 12% for the employer, 12% for the employee, put together 24%. That will be paid for the next 3 months by Government of India, so that nobody suffers because the EPF contribution has lost the continuity and as a result there could be a lot more difficulties. So 12 plus 12, the 24% contribution which has to go into the EPF account of the employee will be borne by Government of India for the next 3 months. And this is, please, this is important. This is for all those establishments which have up to 100 employees and 90% of whom are such employees earning less than 15,000 rupees a month. I'll repeat that. Government of India will contribute the 12 plus 12, which is the employee and employer contribution, 12 plus 12 leading to 24% total, will Government of India will contribute that EPFO of 20% money, the pension provident fund contribution. So the 24% will be paid by Government of India for the next 3 months for those establishments which have up to 100 employees, and from those 100 employees 90% of who draw less than 15,000 rupees per month as salary, as wage. That's the first of the announcement for the organized sector. The second of the announcement for the organized sector relates to their own money. That's not government giving money, their own money. But what may benefit 80 lakh employees and incentivize 4 lakh establishments
and this will be enabling people so that without disruption they can continue. The announcement about, the second announcement about their own money is the Provident Fund Scheme regulations will be amended. The EPFO scheme's regulation will be amended because of the pandemic situation which is prevailing, and that being the reason the amendment will happen to allow non-refundable advance of 75% of the amount standing to the credit of a member or 3 months of wages, whichever is lower. I repeat my second announcement for the organized sector. This relates to their own fund which lies in the EPFO. Government of India is ready now to amend the regulation which governs this EPF scheme so that because of the pandemic situation which is prevailing, the regulation will be amended so that workers can draw up to 75% from that fund for their contingency expenditure. This is non-refundable advance which they will be allowed to take 75% or 3 months wages, whichever is the lower. This particular announcement I expect will benefit 4.8 crore workers who are registered with the EPF and therefore will be in a position to withdraw the money. संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो नौकरी करने वाले हैं या नौकरी देने वाले हैं, इन दोनों के लिए ही, और वो संस्थान जहां पर 100 से कम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, जो 15,000 रुपये से कम महीने का वेतन पाते हैं, ऐसे जहां 90% से कम एम्प्लॉयज होंगे, जहां पर जो 15,000 से कम वेतन पाते हैं, और जिस संस्थान के 100 से कम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए सरकार मदद करने के लिए आगे आई है कि नौकरी करने वाले का 12% जो हिस्सा है वो भी सरकार डालेगी और नौकरी देने वाले का 12% हिस्सा भी सरकार डालेगी, तो कुल मिलाकर दोनों का शेयर 24% बनता है। ये सरकार अगले 3 महीने तक ये जारी रखेगी और इसमें लगभग संगठित क्षेत्र के 80 लाख से ज़्यादा ऐसे मजदूरों को और 4 लाख से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं को लाभ मिल पाएगा। 4 लाख से ज़्यादा संस्थाओं को, 80 लाख से ज़्यादा मजदूरों को, उनके अपना 12% जो उन्होंने मजदूर के नाते ईपीएफ कटवाना था वो भी, और जो कंपनी ने जमा कराना था वो भी संस्थान का सरकार देगी। इसके अलावा ईपीएफ स्कीम्स की जो रेगुलेशंस हैं उसमें भी इस महामारी को देखते हुए बदलाव करने का विचार, ताकि जो नॉन रिफंडेबल एडवांस होता था 75% तक, जो उनका क्रेडिट, जो उनका पैसा उसमें था उसके सामने 75% तक, या फिर 3 महीने तक का जो वेतन है उस तक का जो भी कम होगा उसके अनुसार वो निकाल सकें, ऐसा भी हमने निर्णय लिया है। और इससे लगभग 4,80,00,000 मजदूरों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफ के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी हैं और बेनिफिट भी लेते हैं और वो अपना पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान उसमें करने को दिया जाएगा। यानी कि 3 महीने का वेतन उससे कम या फिर 75% जो क्रेडिट अवेलेबल उनके है उतना वो निकाल सकते हैं। The next one, the last two that I have to announce is one on the construction workers and the next one is the mineral welfare, mineral fund, district mineral fund. On the construction workers, you are aware that by a central government act, there is a welfare fund for the building and other construction workers' welfare. That's a central government act. It has about 31,000 crores of rupees in it.
and has about 3.5 crore registered workers. We intend to give directions to the state governments to utilize this fund to provide assistance and support to those workers in the construction and building sectors to protect them against any economic disruption. Obviously, because of the way in which we have taken a call to contain the coronavirus with a lockdown so that people stay at home, stay safe, and they don't expose them to the risk, there is a lockdown. As a result, many building and construction workers may be feeling the impact because their work has come to a halt. So using this welfare fund for building and construction workers, which is as per a central government's act, and utilizing that money which is available in it, which is about 31,000 crores, we want the registered 3.5 crore building and construction workers to benefit from it, and therefore we will be giving directions to the state governments to ensure that that fund can be utilized for helping those who are facing economic disruption as a result of this particular lockdown. राष्ट्र निर्माण में भवन निर्माण हो या बाकी निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और ये भूमिका उनकी बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनती हैं सड़कें बनती हैं बाकी सब तैयारियां होती हैं इसके लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड ये होता है और इसमें भी लगभग 3.5 करोड़ जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनके लिए लगभग 31,000 करोड़ का फंड उपलब्ध है और राज्य की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली जंग में जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं इकोनॉमिक डिसरप्शन जो आई है उसके चलते हुए ये 31,000 करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए इन गरीब मजदूरों के लिए जो निर्माण कार्य के क्षेत्र में लगे हैं ताकि इस पैसे का लाभ उनकी ओर हो सके द लास्ट अनाउंसमेंट रिलेट्स टू यूटिलाइजिंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वी विल रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूटिलाइज द फंड्स व्हिच आर अवेलेबल अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फॉर सप्लीमेंटिंग एंड ऑगमेंटिंग ऑल काइंड्स ऑफ medical testing activities, screening activities, and also other requirements which are so necessary now to fight the coronavirus and from preventing its spread. We are requesting the state governments to use the district mineral fund, which is available at the district level, so that medical screening, medical testing, and also providing of health attention will not suffer. So that is my last announcement. I like to repeat that we are now talking about Pradhan Mantri Garib Kalyan welfare related announcements today, wherein I have very clearly upfront stated that we are making an announcement which involves 1,70,000 crores, so that in the coming 3 months people don't remain hungry, food and food related, and money in their hand is required. Therefore, cash transfers through DBT have been announced today. Thank you. आखिरी बिंदु जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर है राज्य की सरकारों के पास ये धन उपलब्ध रहता है और ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग जांच के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए उपचार के लिए दवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सके इसके लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए ताकि इस महामारी के खिलाफ ये जो जंग हम लड़ रहे हैं इसमें सफलता मिल पाए और कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का आज घोषणा की गई है इसके माध्यम से अन्नदाता हो
मजदूर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, समाज का वो पिछड़ा, वंचित, शोषित, उस सब के लिए आज ये कदम उठाए गए जिसकी चिंता मीडिया ने और सोशल मीडिया पर देश के लोगों ने की थी। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, गरीब को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार ने पहले दिन से एनडीए वन ने काम करना शुरू किया था, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के हित में लाई गई, आज इस महामारी के चलते भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स ने जो निर्णय लिए हैं वो गरीबों के हित में पहले लिए, ताकि कोई गरीब देश में भूखा ना हो, किसी के खाता खाली ना हो, किसी की अन्न की थाली खाली ना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिले, अनाज भी पर्याप्त मिले, ना पैसे की कमी आए, ना खाने की कमी आए। और इन्हीं कदमों को लेकर हर माँ बहन के घर परिवार से लेकर उसके बैंक खाते से लेकर उसके कामकाज तक की चिंता की गई। यही प्रयास हैं कि इस जंग के खिलाफ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मीडिया ने भी हमारा इसमें सहयोग किया है, एक सकारात्मक वातावरण देश भर में बनाने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इतना डिटेल्ड और स्पष्ट पैकेज के अनाउंसमेंट के लिए। मैडम, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कुछ क्वेश्चन हमने ऑनलाइन भी लिए हैं और अपने साथियों से भी क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन डू दीज अनाउंसमेंट्स कम इनटू इफेक्ट? वेल, आई वुड थिंक इट्स इमीडिएट। वी मेड एन अनाउंसमेंट, सो फ्रॉम 1st April whoever has got to get the money as per routine will get it, but we've announced it today, so I would think it's immediate.